वो शहर रियासत के किस राजा ने रामपुर को राजधानी बनाया था? तो राम सिंह ने बनाया था रामपुर को राजधानी। नेक्स्ट हमारा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो ये परागंगा दर्रा है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर है। नेक्स्ट हमारा, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासतें कौन सी है? तो ये कुलूट रियासत है दूसरी सबसे पुरानी रियासतें। नेक्स्ट हमारा, हिमाचल प्रदेश के प्राचीन अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो ये इंडो ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो ये भीलमाल शासक था जो कि सिकंदर लोदी के समकालीन था। नेक्स्ट हमारा, महाभारत के अनुसार 1400 ईसा पूर्व के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी? तो ये सुषमा चंद ने की थी कटोच राजतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट हमारा, केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है? तो ये शैल श्रृंग का अभिधान है केलांग सुंदरी। नेक्स्ट हमारा, शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ है? तो ये धूम रेखा के अंदर स्थित है हर्बल गार्डन। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन समय में रामपुर बो शहर राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये कामरू राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा, शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता को कभी समर्पित किया गया था? तो ये 1857 ईस्वी में समर्पित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो दमेरी था पुराना नाम नूरपुर का। नेक्स्ट हमारा, धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम क्या है? तो नूरपुर इसका नया नाम है। नेक्स्ट हमारा, त्रिगत किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो ये कांगड़ा का प्राचीन नाम है त्रिगत। नेक्स्ट हमारा, हिमाचल प्रदेश के कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सुशर्मा था कटोच राजपूत वंश का संस्थापक। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो त्रिगत है जो कि सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है। नेक्स्ट हमारा, चिन्मया तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये आश्रम कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो ये राजकुमारी अमृत कौर ने आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा, बकलोहे नामक सैनिक छावनी स्थित है? तो ये चंबा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगत क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? तो ऊना जिला त्रिगत क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन काल में नागरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सुशर्मा ने करवाया था किले का निर्माण। नेक्स्ट